हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूनिक ब्यूटी पार्लर। कैसे हैं आप सब? आज अपनी इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्टेप हेयर कट फुल लेयर के साथ। और ये हेयर कट बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग बिगनर्स हैं और अभी आपको कोई भी कटिंग नहीं आती है, तब भी ये हेयर कटिंग आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और ये हेयर कट आप शॉर्ट हेयर पर भी कर सकते हैं, लॉन्ग हेयर पर भी कर सकते हैं। बहुत आसान टेक्निक के साथ मैं आप लोगों के लिए आज स्टेप हेयर कट लेकर आई हूँ। और इस कटिंग को आप बहुत कम टाइम लेते हुए कर सकते हैं। इस कटिंग को करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी आपको नहीं लगेगा और कोई पिनअप भी नहीं करना है किसी भी चीज़ की। बस आपको कैसे करना है ये आप बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत आसान कटिंग है और बहुत कम टाइम में और बहुत आसानी से मैं आपके लिए लेकर सिखाने के लिए लेकर आई हूँ। तो वीडियो जो आज की है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपको एक अलग टेक्निक बताऊंगी जब हम लेयर्स कटिंग करते हैं या स्टेप कटिंग करते हैं और हमारे पतले बाल होते हैं या फिर सीधे बाल होते हैं, तो उसमें बाउंस लाने के लिए हमें क्या करना है, किस तरीके से हमें बाद में कटिंग देनी है जिससे कि हमारे बालों में बहुत अच्छा बाउंस आ जाए, बहुत अच्छी लेयर्स आ जाएँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस कट को बहुत आसानी से आप सीख कर अपने घर पर कर सकते हैं, अपने पार्लर में कर सकते हैं। वीडियो में जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसको दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे और आप पार्लर का पूरा कोर्स घर बैठे सीख सकें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज मैं इनके बालों पर कटिंग सिखाने वाली हूँ आपको। ये देखिए, इनके जो बाल हैं वो काफ़ी लंबे हैं लेकिन नीचे से बहुत ज़्यादा पतले बाल हैं, तो इनको जो कटिंग चाहिए वो बहुत छोटे हेयर्स चाहिए। ऊपर से नीचे से जो इनके हल्के बाल हैं वो सारे निकलवाने हैं इनको, क्योंकि नीचे से इनके बाल बहुत पतले हैं। तो वैसे भी इनके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं है। सबसे पहले हमें कटिंग करने से पहले क्या करना है, सीट लगा लेनी है और बालों को गीला कर लेना है। गीला करने के बाद बालों को बहुत अच्छे से कॉम्ब करेंगे और सबसे पहले क्लाइंट से पूछ लेना है कि उनको कितनी लेंथ रखवानी है अपने बालों की, उसी के अनुसार आप कटिंग करें। जितनी ग्रोथ आपके क्लाइंट को चाहिए उससे एक इंच आप ज़्यादा रखेंगे, छोटे नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है। सबसे पहले हम स्ट्रेट कटिंग करेंगे और स्ट्रेट कटिंग करने के लिए हम क्लाइंट से पूछ लेंगे कि उनको कितने कटिंग करानी है, कितने छोटे हेयर कराने हैं। जैसे मैंने अपनी क्लाइंट से पूछ लिया है कि उनको कितनी ग्रोथ रखवानी है, उसी हिसाब से हम उसी ग्रोथ पर हम स्ट्रेट कटिंग कर देंगे। इस कटिंग को करने के लिए सबसे पहले ये देखिए, इनको इतनी ग्रोथ रखवानी थी और इसी ग्रोथ के अनुसार इतने लंबे बालों में हमने स्ट्रेट कटिंग दी है। इस तरह से देखिए आपको स्ट्रेट कटिंग कैसे देनी है, ये भी आपको इस कटिंग में सीखने के लिए मिलेगा। स्ट्रेट कटिंग हमें इसी तरह से देनी है, बीच में से टू पार्टिंग करके सबसे पहले बीच के हेयर्स को कट कर देंगे और फिर उसी की गाइडलाइन लेते हुए साइड के हेयर्स को हम कट कर देंगे। इस तरह से हम स्ट्रेट हेयर कट करेंगे। इस कटिंग को करने के लिए हमारे पास गाइडलाइन तैयार है, हमने स्ट्रेट कटिंग कर लिया है। हमें पीछे से कितनी लॉन्ग लेयर, लॉन्ग हमारी जितने हेयर हैं कितने लॉन्ग रखने हैं, उसी हिसाब से मैंने नीचे से कट कर दिया है। अब हम टू पार्टिंग कर देंगे हेयर्स की, ईयर टू ईयर पार्टिंग करके आगे की तरफ और जो हमारे पीछे के बाल हैं वो पीछे की तरफ। देखिए इस तरह से हमने आगे की तरफ के हेयर को ईयर टू ईयर पार्टिंग करके आगे की तरफ कर दिया है और इनको हम हेयर क्लिप की हेल्प से सिक्योर कर देंगे दोनों तरफ से, ताकि जब हम पीछे की कटिंग करें तो जो आगे वाले हेयर्स हैं वो हमारे इसमें मिक्स ना हो। और अब इस तरह से हम पीछे के हेयर्स लेंगे और पीछे के हेयर्स को बहुत अच्छे से कॉम करेंगे। हम जो पीछे के हेयर्स हैं उनको एक ही बार में कटिंग देंगे सारे हेयर्स को और बहुत अच्छे से कॉम करके, ये देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से दिखा रही हूँ, ये कटिंग करेंगे हम। कटिंग करने से पहले हम बहुत अच्छे से बार बार कॉम करेंगे। जब हमारे बाल हैं वो सारे हमारे हाथों में आ जाने चाहिए, छोटे बड़े नीचे नहीं छूटने चाहिए। बालों को बहुत अच्छे से नीचे से ऊपर तक कॉम करते हुए लेते जाएंगे। इसमें हमें यही चीज़ बहुत ध्यान से करनी है कि हमें कॉम बहुत ध्यान से करना है, कॉम बहुत अच्छे से कर लेना है। बालों में बिल्कुल भी ट्रायंगल नहीं रहने चाहिए, उलझे हुए बाल नहीं होने चाहिए, सीधे हो जाने चाहिए बाल। अब मैं आपको बताती हूँ हमें जो कट करना है वो किस एंगल में करना है। ये देखिए उंगलियों को इस तरह से रखना है, ऐसे नहीं रखना है,
हमें कैसे रखना है, इस तरह से नहीं, ऐसे, इस तरह से। तो ये हमने इस तरह से अपने हाथ को रखना है जैसे मैंने आपको बताया, और बहुत अच्छे से कॉम करेंगे और हम इस तरह से रखेंगे तो जो पीछे के हमारे बाल हैं उनसे हमें गाइडलाइन मिलेगी। उस तरह से अपने उंगलियों में बालों को फंसाना है। और ये देखिए, जब हम ऊपर लेकर गए तो हमें ये वाली गाइडलाइन मिल गई, और इसी गाइडलाइन पर हम हेयर्स को कट कर देंगे। ये देखिए, पीछे से जो हमारे बाल थे, पीछे के जो हमने कट किए थे, उन्हें हमें अपनी गाइडलाइन बनाते हुए बालों को कट कर देना है। ये देखिए, मैंने जो बाल हैं उनको कट कर दिया है, और नीचे के जो मैंने गाइडलाइन ली थी जब स्ट्रेट कटिंग किया था, उससे बिल्कुल भी छोटे नहीं करने हैं, उसी को गाइडलाइन बनाते हुए हमें सारा कट कर देना है। एक बार फिर से हम रिचेक करेंगे, ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और देखेंगे छोटे बड़े बाल तो नहीं है, और उनको भी हम दोबारा से कट कर देंगे। आप चाहें तो 2 से 3 बार अपने बालों को रीचेक कर सकते हैं काटते हुए, ताकि हमारे बालों में जो छोटे बड़े बाल हैं वो छूट ना जाए, बाल सारे कट जाने चाहिए, सारे एक साथ एक सार हो जाने चाहिए बाल ऊपर की तरफ। ये देखिए, जो भी मेरे छोटे बड़े बाल आ रहे हैं मैं उनको बार बार कट कर रही हूँ इस तरह से। देखिए, ये देखिए, हमारे जो स्टेप कटिंग है वो हो गया है, और कितने सुंदर स्टेप्स आए हैं। अभी बाल गीले हैं तो अभी बहुत अच्छे से दिखाई नहीं देंगे। ये देखिए, आप लोग देख पा रहे हैं कितने सुंदर लेयर्स हमारे बालों में आ गई हैं, ऊपर तक लेयर आई हैं। और अब हम आगे के हेयर्स को कट करेंगे। आगे से हमने क्लिपिंग हटा दिए और अब हम सारे बालों को आगे की तरफ लेकर आएंगे। ये मैं सारे बालों को आगे की तरफ लेकर आई हूँ, और आगे के बालों में भी हमें बहुत अच्छे से कॉम्ब कर लेना है, बाल छूटने नहीं चाहिए। सारे बालों में इस तरह से हम कॉम्ब कर लेंगे और सारे बालों को आगे की तरफ ले जाएंगे। हम पीछे के जो हमने हेयर्स कट किए थे उनमें से थोड़े से बालों को आगे की तरफ लेंगे, और ये गाइडलाइन ले लेंगे कि हमें बालों को किस गाइडलाइन पे कट करना है। पीछे से हमने गाइडलाइन ली, और उसी गाइडलाइन पर हम बालों को नीचे की तरफ लाते हुए इस तरह से आगे की तरफ ले जाते हुए, हमने जो पीछे से गाइडलाइन ली थी उसी गाइडलाइन पे हम बाल काटेंगे, उससे छोटे बड़े नहीं काटेंगे। ये देखिए, मैंने उसी गाइडलाइन पे बाल काट दिए हैं, और जो हम दोबारा से कॉम करेंगे और अपने बालों को रीचेक करेंगे, हमारे बाल कहीं छोटे बड़े तो नहीं छूट गए हैं। इस तरह से सारे बालों को लेते हुए आगे की तरफ लाएंगे और बार बार कॉम करते हुए रीचेक करेंगे। ये देखिए, अगर हमारे छोटे बड़े बाल लग रहे हैं थोड़े बहुत, तो फिर से हम उनको कट कर देंगे। ये देखिए, जैसे मैंने कट कर दिया है, ऐसे ही बार बार आपको रीचेक करते रहना है, कट कर देना है। और आप चाहें तो क्रिस क्रॉस कट कर सकते हैं इस तरह से, ताकि हमारे बालों में बहुत अच्छा सा बाउंस आए, अच्छी सी स्टेप्स दिखाई दें। क्योंकि हमारे जो क्लाइंट हैं उनके बाल बहुत हल्के हैं, तो हल्के बालों में जब हमें स्टेप्स देनी होती हैं तो बहुत ज़्यादा स्टेप्स देने पर ही बाल हैवी लगते हैं। तो इसमें हम बहुत अच्छे से स्टेप्स देंगे, ऊपर तक स्टेप देंगे, जो लेयर्स आएंगी हमारी वो ऊपर तक आएंगी। ये देखिए, मैंने अच्छे से कॉम किया, यहाँ पर जो हमारे स्टेप्स थे वो मैंने कर दिए। अगर हमें और स्टेप्स चाहिए ऊपर तक देने हैं, ये देखिए किस तरह से आए हैं। अगर हमें ऊपर तक लेयर्स देनी है और भी, अगर हमें कम लग रही हैं, तो हम क्या करेंगे, सारे बालों को पीछे की तरफ कॉम करेंगे और आगे के बालों में बीचों बीच जो हमारी, जहाँ हम मांग निकालते हैं बीच वाली, उसमें से दोनों तरफ से बराबर बराबर बाल लेते हुए क्राउन एरिया पर आगे की तरफ एक बॉक्स बनाएंगे, और बॉक्स के बालों को सीधा ऊपर ले जाएंगे, और अपनी उंगलियों को सीधा रखते हुए इस तरह से जो हमारे छोटे बड़े बाल हैं उनको कट कर देंगे। आगे की तरफ से बॉक्स बनाया, और फिर इसी तरह से उससे पीछे की तरफ उसी के पास दूसरा बॉक्स बनाएंगे इसी तरह से, और इन बालों को भी हम ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। ये देखिए, मैं आपको नीचे करके दिखा रही हूँ, ऊपर की तरफ लेके गए। यहाँ पर हमें अपनी उंगलियों को क्रॉस में रखना है इस तरह से, देखिए, और यहाँ पर भी हमने बालों को थोड़ा सा और छोटा कर दिया है, देखिए। अब हम पीछे की तरफ एक और बॉक्स बनाएंगे इस तरह से, देखिए, मैंने जैसे बॉक्स बनाया है आपको दिखाई दे रहा है, इसी तरह से आपको बॉक्स बनाने हैं। अगर आपको और लेयर्स चाहिए, अगर आपको लेयर्स नहीं चाहिए, आपको बहुत लग रही हैं, तो आप फिर बॉक्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको छोटे हेयर करने हैं, शॉर्ट हेयर करने हैं, और लॉन्ग भी लेयर्स भी बहुत ज़्यादा देनी है, तब ये बॉक्स बनाकर आप कट करें, नहीं तो जैसे आपने पहले किया था वही काफ़ी है। उसमें अगर आपको लग रहा है कि लेयर्स हमारी बहुत हैं, तो फिर करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें साइड में जो हमारे हमने कटिंग की थी उसमें और अधिक बाउंस देने के लिए, और अधिक लेयर्स देने के लिए, हम साइड में बालों को लेकर जाएंगे थोड़ा ऊपर उठाते हुए,
और इन पर भी कटिंग करेंगे। अब आगे के हेयर्स को भी इसी तरह से ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री पर और यहाँ पर भी हम कट कर देंगे, अपनी उंगलियों में फंसाते हुए लेके जाएंगे। ये देखिए आगे की तरफ भी हमारे और ज़्यादा लेयर्स आ गई हैं और अब हम दूसरी तरफ भी इसी तरह से, आप थोड़े थोड़े करके लीजिएगा, मैंने इस तरफ तो सारे बालों को एक साथ ले लिया है क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है, मैं करती रहती हूँ तो मैंने एक साथ बालों को ले लिया है, आप थोड़े थोड़े करके ले सकते हैं। इस तरह से देखिए हमारी जो लेयर्स हैं वो आ गई हैं। अभी हमारे बाल गीले हैं तो बहुत अच्छे से आपको पता नहीं लग रहा है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, आगे की तरफ से हम लेज़र लुक देने के लिए बालों को, सारे बालों को आगे की तरफ लाएंगे थोड़ा थोड़ा करके और इस तरह से अपनी उंगलियों में फंसाते हुए तिरछा कट कर देंगे। हमें बालों को ज़्यादा नहीं कट करना है, जो भी हमारी उंगलियों में थोड़े छोटे बड़े दिख रहे हैं उनको हल्का सा कट करेंगे। देखिए अपनी उंगलियों को ऐसे लाना है और तिरछा कट कर देना है हल्का हल्का सा। ये देखिए इससे हमारा आगे की तरफ से जो हमारा है लेज़र लुक आएगा। इसी तरह से हम दूसरी साइड के बालों को भी आगे की तरफ लेके आएंगे थोड़ा थोड़ा करके और इस तरह से तिरछा कट कर देंगे, जैसे हम लेयर कट में करते हैं लेज़र कट में, उसी तरह से यहाँ पर भी लेके आएंगे दूसरे बालों को थोड़ा थोड़ा करके। हम पार्ट करके लेके आएंगे, एक साथ सारे बालों को नहीं लेके आएंगे। अगर एक साथ लेके आएंगे तो बाल छोटे हो सकते हैं, तो हम ऊपर के बालों से नीचे की गाइडलाइन मिलाते हुए कट करेंगे इस तरह से। देखिए ये देखिए आगे के जो हमारे लेयर्स आई हैं वो कितनी सुंदर आई हैं, आगे से जो लुक आएगा वो इस तरह का आएगा। ये अगर आपको आगे से इस तरह का लुक चाहिए तो आप ये कटिंग दे सकते हैं, और अगर आपको आगे से लुक नहीं चाहिए लेज़र लुक तो आपने जैसे पीछे से स्टेप कर दिए थे वो करके छोड़ दीजिएगा, ये ऑप्शनल है आगे की तरफ बाल लेके जाना। अगर और अच्छा लुक देना है तो आप आगे की तरफ बाल लेके जाएंगे और इस तरह का कटिंग देंगे। देखिए हमारी कटिंग हो गई है और कितने अच्छे से लेयर्स आई हैं। अब इनके बाल बिल्कुल भी पतले नहीं लग रहे हैं, हमें पतले बालों को हैवी दिखाना है और बहुत अच्छी सी लेयर्स लानी है, तो इस तरह से कटिंग करें। और इनको और इन जो हमने लेयर्स दी हैं इनको और भी अच्छा बाउंस देने के लिए हमें क्या करना है, सारे बालों को ऊपर की तरफ लेके जाना है इस तरह से। देखिए हम सारे बालों को बहुत अच्छे से कॉम करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और अपने हाथ में बीच में फंसाकर एक फ्लावर बनाएंगे दोनों तरफ से कॉम करके। अपने हाथ में देखिए फ्लावर बना लेंगे हम कॉम करके अच्छे से, बालों को नीचे से ऊपर की तरफ बहुत अच्छे से कॉम करते हुए लेके जाना है और इसमें हमें सारे बालों को ले लेना है और इस तरह से फ्लावर बनाकर हम इस तरह से कट देंगे। देखिए कॉम करके हमें बालों में बहुत अच्छे से फ्लावर बना लेना है और ये देखिए फिर हम नीचे की तरफ छोड़ देंगे, इससे हमारे बालों में बहुत अच्छा सा बाउंस आएगा, हमारे जो लेयर्स हैं वो और भी सुंदर लगेंगी, हमारा हेयर कट बहुत सुंदर आएगा इससे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर ये कटिंग आपको समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि वो भी इस ब्यूटिशियन कोर्स को बहुत अच्छे से सीख सकें घर बैठे। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।